एक तो इस किताब में एक कविता डॉक्टर सुनील कुमार सुमन, जो कि वर्धा विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर हैं और अभी कलकत्ता में पोस्टेड हैं, उन्होंने लिखा था, वो कविता मैं पढ़ूंगा। तुम्हें मरना नहीं था मेरे प्यारे भाई, तुम्हें जीना था, लड़ना था। बाबा साहब भी तो लड़े थे, कबीर, बिरसा मुंडा, भगत सिंह, किसी ने कभी हार नहीं मानी, सब लड़ते रहे। हमें लड़ना होगा दोस्त, लगातार लड़ना होगा। अभी मनु और द्रोणाचार्य के लोग जिंदा हैं, जिंदा बचे हुए हैं। जब तक जातिवाद है हमें लड़ना है। जीवन बहुत कीमती है मेरे दुलारे भाई, भविष्य हमारा है, हमें उनको संवारना है। जबकि हम क्या करें, हम क्यों हारें, जबकि संविधान हमारे साथ है, यही हमारी ताकत है। इस ताकत को पहचानो मेरे दोस्त, डॉक्टर सुनील कुमार सुमन। अब आइए हम लिए चलते हैं कि जब 18 दिसंबर को चिट्ठी जब उन्होंने लिखा था वाइस चांसलर को रोहित बुमुला ने, उस चिट्ठी के कुछ अंश आपको मैं पढ़ देता हूँ। एक आदमी की कीमत उसकी तात्कालिक पहचान और नजदीकी संभावना तक सीमित कर दी गई है, एक वोट तक। आदमी एक आंकड़ा बनकर रह गया है, एक वस्तु मात्र। कभी भी एक आदमी को उसके दिमाग से नहीं आंका गया, एक ऐसी चीज जो स्टारडस्ट से बनी थी, हर क्षेत्र में, अध्ययन में, गलियों में, राजनीति में, मरने में और जीने में। यह एक दार्शनिक की चिट्ठी है, एक छात्र की चिट्ठी नहीं है। साथियों, ये चिट्ठी मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ आज कि मैं जानता हूँ कि भारत में कैसे ऑपरेसिव सिस्टम है और किस तरीके से खासतौर से वैसे लोग जो तेज तरार होते हैं, जो सवाल उठाते हैं, बोलते हैं, मैं तो खुद सब्जेक्ट हूँ और लगातार लड़ना पड़ता है। नौकरी कर लेना, नामांकन ले लेना किसी भी SC ST OBC समुदाय के बच्चों के लिए आसान होता है, लेकिन सम्मान के साथ डिग्री लेना और सम्मान के साथ नौकरी करना, सीना चौड़ा कर रीढ़ सीधा रख के, ये बहुत मुश्किल है भारत में और इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। हम लोग भी चुका रहे हैं, लेकिन आप सबसे अपील है कि कितने भी समस्या क्यों ना हो, ट्राई टू रेसिस्ट इट, संघर्ष करने पर रिबटल करने की आदत डालिए। संस्मरण को बार बार याद करते रहना जरूरी है। अभी आपने देखा होगा कि दिलीप मंडल साहब ने फेसबुक लाइव किया था UPSC में घोटालों को लेकर, तो ये घोटाला जारी है, बदस्तूर जारी है, हर जगह जारी है और दमन भी जारी है। तो ये UPSC का जो काम है, खास करके सिविल सर्विस के अफसरों का जो चयन है, ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये एक तरह से देश को चलाने वाली जो प्रमुख संस्थाएं हैं, और ये चूंकि भंग नहीं होती है विधानसभा या लोकसभाओं की तरह, सरकारों की तरह बदलती नहीं है, तो बहुत पावरफुल बॉडी है और ये एक तरह से देश को संचालित करने वाली नियामक संस्था, जो एक तरह से जहां पर नीतियां बनती हैं, नीतियां लागू होती है, उसकी संस्था है। तो UPSC जिस तरह से इस नौकरशाही का चयन करता है, इस पर कड़ी नज़र हम सबकी होनी चाहिए। हर साल एवरेज अगर आप देखें आज़ादी के बाद से, तो आम तौर पर 1000 प्लस माइनस 200 के आसपास, मतलब 800 से लेकर रेंज आप मोटे तौर पर रख लीजिए 1200-1400 तक अफसरों का, सिविल सर्विस के अफसरों का चयन UPSC के जरिए होता है। भारत सरकार उसकी नियुक्ति करती है और इसकी नोडल जो मिनिस्ट्री है वो DOPT है, उसको इस काम को करना होता है। अब ये जो पूरी नियुक्ति है, इस पर चूंकि कड़ी निगाह लोगों को रखनी चाहिए। एक एक अफसर इतना पावरफुल होता है और ये आप समझिए कि इतनी इस नौकरी की इतनी आप अहमियत का अंदाजा लगाइए कि 11-12 लाख तक लोग कई बार आपको इसके प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हैं। कई कई लोगों की जिंदगियां खप जाती हैं, बहुत श्रम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत लगन से लोग इसकी तैयारी करते हैं। तो इसमें जो नियुक्ति का तरीका है, इसमें एक महाघोटाला सामने आया है। अब दिलचस्प ये है कि UPSC ने अपने अब तक के इतिहास में, आज़ादी के समय से UPSC है इस देश में, तो UPSC अपने
पूरे इतिहास में पहली बार किसी घोटाले पर एक सफाई देती है, और ये सफाई दी जाती है 6 अगस्त को कि हम कोई घोटाला नहीं कर रहे हैं, हम नियमों के तहत नियुक्तियां कर रहे हैं। तो आप समझिए कि सोशल मीडिया पर जो इसको लेकर जो विवाद उठा है वो कितना महत्वपूर्ण है कि यूपीएससी को खुद सामने आकर इसकी सफाई देनी पड़ी है। अब जो जिन लोगों का नाम यूपीएससी ने अनाउंस नहीं किया है अपनी फर्स्ट लिस्ट में 91 की, उसका रिजल्ट जो है 4 अगस्त के बाद 4 जनवरी 2021 को उनका रिजल्ट आता है, और उसमें 91 में 71 लोग 73 लोग जो हैं वो अपर कास्ट के जनरल कैटेगरी से होते हैं, 1 ईडब्ल्यूएस से होता है, 14 ओबीसी का होता है, और 1 सिर्फ एसटी का होता है, एससी का होता है। तो ये जो लोग 91 लोग इसमें एससी एसटी और ओबीसी के आने चाहिए थे, इसकी जगह 73 सीटें निकालकर, बल्कि एक अगर ईडब्ल्यूएस को भी जोड़ लें तो 74 सीटें जो है उन्होंने यहां पर अपर कास्ट को दे दी है। ये है कुल मिलाकर घोटाला। इसको आप अगर कोई जटिलता है और इसमें कोई सवाल अगर पूछना चाहता है तो मैं उसका जवाब देना चाहूंगा, और इस बात को मैं बहुत गंभीरता से बोल रहा हूं। मुझे मालूम है कि यूपीएससी इसको लेकर कितना संवेदनशील है, सरकार इसको लेकर कितनी चिंतित है, लगातार क्लैरिफिकेशन आ रहे हैं, ओबीसी कमीशन में इस पर चर्चा हो रही है, और बहुत बड़ा मुद्दा है, और इसको इसमें आप समझिए कि हर साल अगर 100 सीटों की चोरी हो रही है, कभी 70 कभी 80 कभी 100 इस तरह की चोरी हो रही है, और इसके बारे में अगर एससी एसटी ओबीसी को एहसास हो गया है, देश की 85% आबादी को अगर एहसास हो गया है कि हमारी सीटें चोरी हो रही हैं, इसमें एक दिक्कत यह भी है कि अगर यूपीएससी ने यह करना शुरू कर दिया है तो राज्यों के आयोग भी देर सवेर यूपीएससी का ही तरीका अपना लेंगे, और इस तरह से वो जो सीटों की चोरी है वो होगी। यूपीएससी इसके लिए जो इनका सर्विस रूल है, इनका रूल नंबर 16 जो अगर आप यूपीएससी का पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये दिखेगा कि 16(3) और 4 जो है उसमें इन्होंने पेंच किया है, और ये नियम उन्होंने ही खुद बनाया है। नियम ये है कि अगर आप एससी एसटी ओबीसी के हैं लेकिन आप अगर जनरल मेरिट में आ गए हैं तो, और जनरल मेरिट में अगर आपका रैंक थोड़ा नीचे है तो अगर आप अपनी कैटेगरी में वापस लौट जाते हैं तो आपको अच्छी सर्विस मिलेगी। अगर आपको आईएएस चाहिए तो आईएएस मिलेगा, आईपीएस चाहिए तो आईपीएस मिलेगा। ये जो एक व्यक्ति का इंटरेस्ट है उसको वो अपफ्रंट कर दे रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि आप अपनी कैटेगरी में लौटिए तो आपको अपनी अच्छी सर्विस मिलेगी। और जैसे ही आदमी यहां से अपनी जनरल मेरिट से निकलकर अपनी कैटेगरी में लौटता है तो एक सीट जो खाली होती है वो उस कैटेगरी से ना भर के उसको वो जनरल मेरिट से भर देते हैं, जो अक्सर अपर कास्ट का कैंडिडेट होता है। ये काम मोदी सरकार में बेधड़क हो रहा है, लेकिन अब चूंकि सोशल मीडिया का समय है, पहली बार इसको लेकर इतनी चर्चाएं हो रही हैं, पहली बार इतनी बात हो रही है, आपको ट्विटर पे 2 दिन लगातार ट्रेंड हुआ, करीब करीब उस पर 3 लाख से ज्यादा लोगों ने ट्वीट किया, तो ये पूरा जो मामला है ये अब धीरे धीरे खुल रहा है और अब इसमें दिक्कत हो रही है। इसमें सरकार ने एक और खेल किया है, क्योंकि उसको मालूम है कि सरकार इस काम को नहीं कर सकती, सरकार पकड़ी जाएगी तो उस पर दबाव बढ़ेगा, पार्लियामेंट में हंगामा होगा। तो सरकार ने क्या किया कि एक इस मामले को वो सुप्रीम कोर्ट में ले गई, और एक जजमेंट आता है 2010 में, 7 मई 2010 में यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस रमेश जैन केस में, और उसमें सुप्रीम कोर्ट जो कि आप जानते हैं कि हमेशा अक्सर सरकार के साथ अलाइंड होती है और सरकार के साथ ही वो कई बार उनके सुविधा के हिसाब से, जैसे एस टी एक्ट में हुआ या रोस्टर मामले में हुआ, सरकार की मंशा के हिसाब से फैसले लिखती है। तो यहाँ पर उन्होंने जैसे किसान आंदोलन में कर रहे हैं कि वो कोर्ट के जरिए इस मामले को रिजॉल्व करके ये कह रहे हैं कि अब तो ये तो कोर्ट का फैसला है, हम क्या कर सकते हैं। भाई कोर्ट का फैसला ये तो सही है, लेकिन कोर्ट में सरकार ने क्या पक्ष लिया, क्योंकि ये यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस रमेश जैन का केस है तो इसमें पार्टी कौन है, यूनियन ऑफ इंडिया है, भारत सरकार पार्टी है। क्या भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस आया तो उन्होंने एससी एसटी ओबीसी के पक्ष में दलील दी या अपर कास्ट के पक्ष में दलील दी, उन्होंने रिजर्वेशन के पक्ष में दलील दी या रिजर्वेशन के खिलाफ दलील दी। तो हम देखेंगे, अगर उस जजमेंट को आप पढ़ेंगे यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस रमेश जैन, आप सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर इसको देख सकते हैं, 7 मई 2010 का फैसला है, तो इसमें पाएंगे कि कोर्ट में जब भारत सरकार जाती है तो भारत सरकार वहां पर रिजर्वेशन के खिलाफ दलील देती है, और वो ये देती है दलील कि हमारा जो नियम है
कि SC ST OBC को किस तरह से ये उस कैटेगरी के अंदर फंसा के रख देना है ताकि जो जनरल मेरिट है वो अपर कास्ट की सीटें बन जाए, तो इसके पक्ष में वो दलील देती है। अब ये दलील जो है ये बहुत दिलचस्प है, इसको इसके बारे में आपको मैं पढ़ के सुनाता हूँ कि UPSC ने जो 6 अगस्त को इसका क्लैरिफिकेशन दिया है वो क्लैरिफिकेशन क्या है। वो ये बता रहे हैं कि फॉर रिकमेंडेशन टू द सर्विसेज पोस्ट अंडर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन द कमीशन स्ट्रिक्टली गोज बाय द रूल ऑफ एग्जामिनेशन एज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब देखिए कि यहाँ पर पार्टी जो है वो सुप्रीम कोर्ट नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक रूल नोटिफाई किया है और 927 वैकेंसीज के बदले में जो वो 829 कैंडिडेट का वो लिस्ट जो जारी कर रहे हैं वो रूल 16(4) और 16(5) के तहत है। तो यहाँ पर आप देखिए तो एक तरह से UPSC ये बात तो सही कह रही है कि नियमों के तहत कर रही है, लेकिन घोटाला तो नियमों में है। आपने नियम ऐसे बनाए हैं कि आप मजबूर कर रहे हैं SC ST OBC के मेरिट में आए हुए कैंडिडेट को कि आप अपनी कैटेगरी में जाइए ताकि हमारी जो बाकी की सीटें हैं वहां पर हम अपर कास्ट को वो सीटें दे सकें। तो ये घोटाला अगर साल दर साल इसी तरह चलता रहा और देर सवेर अगर राज्य सरकारों ने और उनके आयोगों ने भी अगर यही तरीका अपना लिया तो आप समझिए कि ये हर साल 20,000 से 30,000 नौकरियों का मामला है जो कि SC ST OBC की नौकरियां होंगी लेकिन जो अपर कास्ट को चली जाएंगी उनको लुटा दी जाएंगी।